आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी, मैं हूं आपके साथ में गजेंद्र गुर्जर। आज हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। प्रतिबंधित कप सिरप बेचने वाला मेडिकल स्टोर संचालन को बरगवां पुलिस ने पकड़ा। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के निर्देश पर बरगवां थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी द्वारा शासकीय स्कूल बरगवां के सामने स्थित शिव मेडिकल पर लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर आज उप निरीक्षक सुधाकर परिहार के साथ एक टीम रवाना कर मेडिकल स्टोर में छापेमारी कार्यवाही की गई, जिस पर मेडिकल स्टोर में प्रतिबंधित कप सिरप कोडीन फास्फेट 40 नग मिला, जिस पर मेडिकल दुकान में स्थित कार्यरत घनश्याम त्रिपाठी पिता ठाकुर त्रिपाठी निवासी बरगवां को थाना लाकर आरोपी को खिलाफ मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया। आरोप अपने मेडिकल स्टोर से युवा को प्रिंट रेट दुगनी रेट पर प्रतिबंधित दवा नशे के रूप में उपयोग हेतु बेचा करता था। पिछले 1.5 माह से वर्ग में पुलिस द्वारा अवैध नशे के खिलाफ पुलिस अधीक्षक महोदय के मनसा अनुरूप कार्य करते हुए करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों को अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार कर 20 किलो से अधिक गांजा जब्त कर आरोपियों को जेल भेजा है। साथ ही बड़े मात्रा में अवैध शराब भी जब्त कर आरोपियों को जेल भेजा है। साथ ही आज प्रतिबंध कप सिरप केडिन फास्फेट के खिलाफ भी कार्यवाही की गई। उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक सुधाकर सिंह परिहार, बालेंद्र त्यागी, सहायक उप निरीक्षक डीआर सिंह सुरेंद्र यादव प्रधान, आरक्षक संतोष सिंह, अरविंद चतुर्वेदी, आरक्षक संजय सिंह परिहार, गणेश रावत, लक्ष्मीकांत मिश्रा का सराहनीय योगदान रहा। सिंगरौली से भारत न्यूज संवाददाता प्रदीप तिवारी, कंचन द्विवेदी की रिपोर्ट। पुलिस चौकी गोरबी में 8/1/2020 को पंकज शर्मा नामक व्यक्ति ने FIR जो दर्ज कराई है कि उस दिनांक को हड़ताल थी, जहां गोरबी बी ब्लॉक से एक एक्सप्लोसिव वैन जिसे उमेश साकेत नामक व्यक्ति चला रहा था, वह काफी तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक चलाकर के उन्हें जो टक्कर मारा, रोकने का प्रयास किए वहां उपस्थित लोगों ने, वो नहीं रुका, भाग गया। जिस संबंध में थाना गोरबी चौकी थाना मोरवा में धारा 287-337 का मुकदमा जो कायम है, विवेचना चल रही है। विस्फोटक के संबंध में भी जांच की जा रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए भारत न्यूज टीवी, गजेंद्र गुर्जर के साथ नमस्कार।